नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। बस अब तो पटना पहुँच ही रहे हैं, बस पटना जाना है, गर्लफ्रेंड को घर से उठाना है, अब पूरा पटना बउआना है। रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी से उतरिए, गाड़ी को साइड में लगाइए। अरे आपको क्या हो गया सिपाही जी, हम तो अपना गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो गया? माने किरा रहे राही के अटेंशन हो जाए सिपाही के। आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, आपको 1000 रुपया फाइन लगेगा। अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने का 1000 रुपया लगेगा? अरे सिपाही जी, हम तो रोज हेलमेटे पहन के गाड़ी चलाते थे, लेकिन हमारा छोटा भाई क्रिकेट का मैच खेलने के लिए हमारे हेलमेट लेकर चला गया है। क्या कह रहे हैं, माने कि गाड़ी चलावे वाला हेलमेट पहन के आपका भाई क्रिकेट में बैटिंग करता है? अरे सिपाही जी, बात नहीं है, बात उल्टा है। हम कोई हेलमेट नहीं खरीदे हैं, हम अपने भाई का जो क्रिकेट वाला हेलमेट है उसी को पहन के गाड़ी चलाते हैं। ऐसे थोड़े होता है, आपको जुर्माना भरे पड़ेगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है? इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड का कौन जरूरत है सर? अरे आप तो देख ही रहे हम कितना बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। अरे ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है या नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर, अब तो पूरा देश में आधार कार्ड चल रहा है, तो अब ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड का कौन जरूरत है? आधार कार्ड इज द मदर ऑफ ऑल कार्ड्स। वैसे नहीं चलेगा, या तो ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दिखाओ या 5000 रुपए जुर्माने और देने पड़ेंगे। नहीं सर, नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। सिपाही, इनका टोटल जुर्माना कितना हुआ? सर, अब तक टोटल जुर्माना 6000 रुपया हो गया सर। अरे बाप रे, 6000 रुपया हो गया जुर्माना। गाड़ी के पेपर कहाँ है? मैंने अपना कार्ड भी लेके घूमे, गाड़ी का भी कार्ड लेके घूमे। अरे सर, हमरा मोहल्ला में जाके केकरो से पूछ लीजिए, ये गाड़ी देखते कह देगा कि लड्डू सिंह का गाड़ी है। वैसे नहीं चलेगा। नहीं सर, गाड़ी का कागज भी नहीं है। सिपाही, गाड़ी के कागजात नहीं होने का जुर्माना टोटल जुर्माने में जोड़ दो। सर, इनका अब तक जोड़ के 11000 रुपया हो गया। अरे बाप रे, 11000 रुपया हो गया जुर्माना। गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर हैं तुम्हारे पास? गाड़ी का इंश्योरेंस? अरे सर, हम तो अपना इंश्योरेंस नहीं कराया था, गाड़ी का इंश्योरेंस कौन कराएगा? माने आप लोग तो अच्छा धंधा खोल लिए हैं सिपाही जी, माने पुलिस का नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ LIC का एजेंट भी बन गए हैं। बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे पास गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर नहीं है तो उसका अलग से 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। सिपाही, इनका टोटल जुर्माना कितना हुआ? सर, अब तक इनका कुल जुर्माना 13000 रुपया हो गया। अरे बाप रे, कुल जुर्माना 13000 हो गया। अब आपके पास इंश्योरेंस का तो कागज है नहीं, तब प्रदूषण का भी कागज नहीं होगा, तब तो आपका टोटल जुर्माना में 10000 रुपया और बढ़ जाएगा। क्या, प्रदूषण का 10000 रुपया जोड़ दिए? माने कि गाड़ी से जो प्रदूषण निकल रहा है मोदी जी को दिख रहा है, अदानी अंबानी के फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकल रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। सर, इनका टोटल जुर्माना 23000 रुपया हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या किया आप, हम पर तो टोटल 23000 रुपया का जुर्माना ठोक दिए। वाह मोदी जी वाह,
माने नोटबंदी करने के बाद भी हम लोगों ने आपको दिया वोट और आपने फिर से कर दिया हम लोगों के पॉकेट पर चोट। माने कि जीएसटी लागू कर लिए और ठीक से टैक्स नहीं असूल पा रहे हैं तो ये डीएसटी शुरू कर दिए हैं, ड्राइवर से टैक्स। मोदी जी की कहानी छोड़ दो और 23,000 रूपए पेनाल्टी भरो। ए सर, 23,000 रूपया हम कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा न हमारे पास है और न हम लेके चलते हैं। 500 रूपया पर्स में हमारे पास, अब बाकी बचा आपके सामने चश्मा शर्ट पैंट यही ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। गर्दन में जो सोना का चेन पहने हैं उसको तो जोड़बे नहीं किए हैं। अरे बुढ़वा, पीतल के चेन के सोना समझ ले है। तोहर बुद्धि या हमार गर्लफ्रेंड के बुद्धि में हमारा तो कोई अंतरे नहीं बुझा रहा है। अब तुम ही बताओ हम लोग तुम्हारे साथ क्या करें? ए सर, गाड़ी पुराना है, आप 23,000 का जुर्माना कर दिए हैं। ये आप गाड़ी भी रख लीजिए, चश्मा रख लीजिए, शर्ट पैंट रख लीजिए, सोना का चैन रख लीजिए, लेकिन हमारा छोड़ दीजिए, हम चले। नून रोटी खाएंगे, टेम्पो से बहू आएंगे। Sure,